हेलो टू माय डियरेस्ट वॉचर्स वेलकम टू माय चैनल कृतिका जैनवी एंड आई विश यू ऑल आर फाइन सो टूडेज टॉपिक इज साउंड सो साउंड हमारा साइंस का चैप्टर थर्टीन है क्लास एट का सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच द फुल वीडियो टेल द एंड सो दैट यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर कॉन्सेप्ट तो साइंस हम लोग क्यों पढ़ते हैं थ्योरीज और प्रैक्टिकल के थ्रू ये जानने के लिए कि कोई भी चीज़ कैसे और क्यों हुई तो इस चैप्टर को भी हम इसी लिए पढ़ेंगे तो देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है चैप्टर का कंटेंट तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी हैव टू स्टडी इंट्रोडक्शन ऑफ़ साउंड फिर सिंपल पेंडुलम फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ़ वाइब्रेशन फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ़ साउंड देन आफ्टर हाउ साउंड ट्रेवल फिर स्पीड ऑफ साउंड देन आफ्टर है कि कैसे हम लोग सुन पाते हैं साउंड को फिर ऑडिबल इनऑडिबल फिर रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्बशन ऑफ साउंड देन आफ्टर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में फिर नॉइज पॉल्यूशन म्यूजिकल साउंड्स नॉइज क्या होते हैं इनके डिफरेंस तो चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन थ्रू द एयर और एनी अनदर मीडियम तो इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड में हमारा पहला पॉइंट ये है कि क्या होता है साउंड सो बेसिकली साउंड इज अ फॉर्म ऑफ वाइब्रे फॉर्म सॉरी एनर्जी ओके साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रैवल क्या करता है वो ट्रैवल करता है एक मीडियम में चाहे वो एयर या कोई भी मीडियम हो तो उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम साउंड कहते हैं ठीक है तो साउंड क्या है जो वाइब्रेशंस के थ्रू प्रोड्यूस होता है किसी भी मीडियम में ट्रेवल करता है वाइब्रेशन इज डिफाइंड एज अ रैपिड टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन मोमेंट अबाउट अ मेन पोजिशन वाइब्रेशन ट्रेवल थ्रू अ मीडियम सच एज एयर एंड रीच आवर ईयर्स वेयर दे आर इंटरप्टेड बाई द ब्रेन एज साउंड सो so, यहाँ से साउंड का प्रोडक्शन का स्टार्ट होता है वाइब्रेशन क्या होता है ठीक है तो वाइब्रेशन जो है टू एंड फ्रो इन द सेंस जो एक जगह नहीं रहता ठीक है।, है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक के मोमेंट्स में जो हमारा स्पीड होता है जो जैसे कि मोबाइल कह, कहते हैं नाम कि वाइब्रेट मोड में है तो किस तरह मोबाइल अपने मेन पोजीशन से थोड़ा सा हिलता है तो दैट लाइक मोमेंट इज नोन एज वाइब्रेशन ठीक है सो so, वाइब्रेशन जो है हमारा एयर या किसी भी मीडियम के थ्रू ट्रैवल करता है और फिर हमें वही हमारे ईयर्स में सुनाई देता है ठीक है तो देखिए जैसे कोई इंसान बोल रहा है ठीक है तो जो हमारे मू माउथ के पास जो वाइब्रेशन प्रोडक्शन हुआ वो वाइब्रेशन एयर के थ्रू या फिर और भी किसी मीडियम के थ्रू ट्रेवल करता है और हमारे जो सामने वाला इंसान है उसके कानों में जाता है और फिर वो क्या होता है वहाँ पे इंटरप्ट होता है और वो जो हमारी वाइब्रेशंस ब्रेन में आती है उसे हम फिर सेंस करते हैं और इस तरह फिर हम साउंड को समझते हैं कि हाँ उसने हमसे कुछ कहा नाउ लुक एट द फोर्थ पॉइंट ह्यूमन बींग्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड विच ऑर्गेनाइज फ्रॉम द लैरिंग्स और द वॉइस बॉक्स इन द नेक द साउंड इज कंट्रोल्ड बाई द मेम्ब्राउं स्ट्रक्चर नोन एज वोकल कॉर्ड दैट स्ट्रेच अक्रॉस द लैरिंग्स अब जो ह्यूमन बींग्स है यानी कि हम लोग उनमें कैपेसिटी होती साउंड को प्रोड्यूस करने की एक स्पेसिफिक ऑर्गन के थ्रू जो कि है लैरिंग्स यानी गला सो so, आप लोग इस फिगर में नोटिस कीजिएगा लैरिंग्स का लोकेशन ठीक है तो देखिए यहाँ पे है लेरिंग्स हमारा और इसके जो आसपास के स्ट्रक्चर है जो कि मेम्राउन स्ट्रक्चर के रूप में और वोकल कॉर्ड के रूप में यहाँ पे हमारे शो कर रहा है ठीक है तो ये जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं लैरिंग्स के एकरॉस में वोकल कॉर्ड यही कंट्रोल करते हैं साउंड और फैलाते भी हैं ठीक है द वाइब्रेटिंग बॉडी कैन बी अ अस्ट्रेच्ड एनिमल हाइट एज इन द ड्रम एंड टेबल एंड लाइक अ स्ट्रेच स्ट्रिंग्स एज इन गिटार और सितार और एयर कॉलम्स एज इन फ्लूट और पाइप्स जो वाइब्रेटिंग बॉडीज़ होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो इन सभी चीज़ के थ्रू साउंड प्रोड्यूस करते हैं जैसे फ्लूट्स यानी बाँसुरी में हम लोग एयर के थ्रू या पाइप्स में थ्रू एयर के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होता है और फिर ड्रम्स वगैरह में स्ट्रिंग्स के थ्रू गिटार में तो ये सारे साउंड के मीडियम की तरह हैं ठीक है थीके? तो अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सिंपल पेंडुलम सो so, ये जो सिंपल पेंडुलम होता है ये एक रॉड का और एक थ्रेड का बना होता है ठीक है जैसा कि आप लोग इस फिगर में देखिएगा दिस इज़ अ मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विच इज़ ऑल्सो यूज एज क्लॉक इन रिसेंट टाइम और अभी भी हम लोग शो करने के लिए जो सिंपल पेंडुलम यूज करते वाइब्रेशन के मूवमेंट को शो करने के लिए यू कैन प्रोसीजर स्लोअर वाइब्रेशन इन अ सिंपल पेंडुलम वेट हैंगिंग बाई अ थ्रेड वन द बॉल इज गि स्मॉल पुश इट परफॉर्म्स टू एंड फ्रो मोमेंट्स विच यू कैन इजली ऑब्जर्व दी स्लो वाइब्रेशन आर ऑल्सो नोन एज ऑसिलेशन सो बेसिकली ऑसिलेशन इज अ रिपीटेटिव वाइब्रेशन जो रिपीट वाइब्रेशन होता है वो मोमेंट को हम ऑसिलेशन कहते हैं ठीक है एज यू कैन सी इन द फिगर कि यहाँ से जो ओ पे पॉइंट आया वो वापस से repeat करेगा रिपीट करेगा ठीक है तो ये जो हमारा ए से बॉल पुश होने पे बी पे आया फिर वो वापस से ए पे गया सो दिस रिपीटेड मोमेंट्स इज ऑसिलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशंस द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशन आर इट्स फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड दीज डिटरमाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक को वाइब्रेशन का कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन करता है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी इन वन सेकेंड इज नोन एज एसआई यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज हर्ज़। जो ये हर्स होता है ऐसा यूनिट है फ्रीक्वेंसी का ठीक है फ्रीक्वेंसी होती क्या है तो नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार एक वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट होता है एक सेकेंड में जितनी बार उसे हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं ठीक है ना वॉट इज एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन इज नोन एज इट्स एम्पलीट्यूड सो बेसिकली आप लोग इस फिगर में क्या देख रहे थे द ब्लैक कलर लाइन गिवेन बिलो डिनोट द टाइम और जो ये बीच का है पर्पल कलर का जो विवलेंथ है उसके बीच को हम लोग पीरियड्स के रूप में डिनोट कर रहे थे और जो एम्पलीट्यूड है वो हमारा स्काई कलर के एरो से बीच वाले पॉइंट को डिनोट कर रहा है तो ये जो बीच का मेन पोजीशन होता है और इससे के थ्रू जो वाइब्रेशंस होते हैं बॉडी का वाइब्रेटिंग बॉडी का उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं सो एम्पलीट्यूड इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट और वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट सेंट्रल पोजिशन ठीक है so, सेंट्रल पोजिशन से जो वाइब्रेशंस होते हैं उसके मूवमेंट्स को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं ना वॉट इज टाइम पीरियड द टाइम टेकन बाई द वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर कंप्लीट वाइब्रेशन इज नोन एज द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन इट इज़ डिनोटेड बाई टी जो टी के थ्रू डिनोट किया जाता है ठीक है तो एक कंप्लीट वाइब्रेशन पूरे करने में जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट को टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी रिसीव पोकल ऑफ़ ईच अदर टाइम और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का रिसीव पोकल है ये बात ना याद रखना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड साउंड कैन बी कैरेक्टराइज बाय द लाउडनेस स्पीच एंड क्वालिटी साउंड का कैरेक्टरिस्टिक हम तीन टर्म के थ्रू डिटरमाइन करते हैं लाउडनेस स्पीच और क्वालिटी तो पहले हमें पढ़ना है लाउडनेस के बारे में बेस्ड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड वेव वी कैन डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ साउंड साउंड का लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड जो वेवलेंथ का एम्पलीट्यूड होता है उस पर निर्भर करता है वेन द एम्पलीट्यूड इज हाई इट विल प्रोड्यूस अ साउंड दैट इज लाउड एंड वेन द एम्पलीट्यूड इज लो इट विल प्रोड्यूस सॉफ्ट साउंड ठीक है सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होगा अगर एम्पलीट्यूड लो होगा और एम्पलीट्यूड की वेव अगर हाई रही तो साउंड क्या होगा लाउड होगा सो दैट इज द फंडा ऑफ लाउडनेस लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्र ऑफ द एम्प्लीट्यूड जितना स्क्वायर यानी जितना डबल होगा एम्पलीट्यूड का वेव लेंथ उसी तरह लाउडनेस भी डबल होगा और जिस तरह कम होगा एम्पलीट्यूड तो साउंड भी कम होगा आई मीन लाउडनेस भी कम होगी ठीक है दैट मीन्स दैट इफ़ द एम्पलीटूड इज डबल द लाउडनेस इनक्रीज फोर टाइम्स ओके सो ये बात याद रखना है वेन लाउडनेस विल फोर टाइम्स दैन एम्पलीट्यूड विल डबल टाइम पीच डिनोट्स द श्रिलनेस और फ्लैटनेस ऑफ ए साउंड साउंड कैन बी हाई और लो जो रेट होता है साउंड का ठीक है उसे हम पीच के फॉर्म में यूज करते हैं टर्म उस टर्म को हम पीच कहते हैं दैट डिनोट्स द रेट ऑफ साउंड इन द फॉर्म ऑफ फ्लैटनेस ठीक है ए वोमेंस वॉइस जनरली हैज़ अ हाई पीच दैन अन्स वॉइस जो क्या होता है वोमेंस की जो वॉइस होती है उसमें ज़्यादा पीच होता है इन कंपेरिजन ऑफ अ मैंस वॉइस ओके सो यही होता हमारा पीच ना वट इज़ क्वालिटी द क्वालिटी ऑफ साउंड इज़ दैट प्रोपर्टी जो वैसा प्रोपर्टी जिसमें कि टू साउंडस का जो पीच होता है उसमें पीच सेम हो लेकिन लाउडनेस जो है दो डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स से प्रोड्यूज हो रही हो तो उसे हम Uh, जैसे कि मान लीजिए दो डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ड्रम और फ्लूट अगर दोनों की पीच सेम होगी लेकिन उनका जो लाउडनेस प्रोड्यूस हो रहा है उसमें जो मतलब उस साउंड के थ्रू हम उसमें डिफरेंस पता कर लेते कि हाँ ये दूसरे इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ है क्वालिटी ऑफ ए साउंड यही प्रॉपर्टी होता है इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द स्पीड ऑफ साउंड एंड हाउ साउंड ट्रैवल सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी Doubt, then do comments so that I will solve. And yeah, don't forget to like the video, share the video, and subscribe my channel.